Hey Chanel, welcome to my guys. या फिर मैं यू कह लेती हूँ वेलकम बैक गाइज टू माई चैनल एंड आई एम बैक विद जस्ट अनदर वीडियो. सो गाइज, आज की वीडियो जो है वो मैंने पहले खुद एक्सपीरियंस करी है एंड देन आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू ऑल टूडे. सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो आप नीचे कैप्शन में पढ़ लीजिए टाइटल में. सो बेसिकली हम जब ऑफिस जा रहे होते हैं हमें समझ नहीं आता कैसा बेसिक सा मेकअप करें जो बहुत ही सटल सा लुक दे हमें. ज़्यादा वो भी नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा वो भी नहीं लगना चाहिए, है ना. सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस मेकअप की, जो आप डेली करके जा सकते हैं अपने ऑफिस पे, जो कि बिल्कुल भी लंबा प्रोसेस नहीं है, 10 मिनट में आप डन हो जाओगे. सो गाइज, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, सबसे पहले हमें क्या है ये नहीं. सो गाइज, सबसे पहले हमें चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर. और आजकल ठंड है तो आई नो कि आप सबका ही मन नहीं होता हुआ कि फेस वॉश करे ठंडे पानी से, इसलिए मैं क्या करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लूंगी टोनर से. सो यहाँ पे मैंने ले लिया है रोज वाटर, जो कि काफी अच्छा टोनर है. तो हम 5-6 स्प्रे, 7-8-9 गुलाब जल, थोड़ा सस्ता है तो 10-12 भी कर लो. ठीक है, सो गाइज, सारा का सारा डट बाहर आ चुका है तो इसे अब हम एंड देन जब आप टोनर लगा लो तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना है, सो दैट जो भी टोनर आपने फेस के ऊपर अप्लाई किया है वो थोड़ा ड्राई हो जाए. एंड देन गाइज, आपको करना है अपने फेस को मॉइस्चराइज, बिकॉज ऑब्वियसली विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है तो मॉइस्चराइजर की तो बहुत ज़रूरत है और मेकअप में तो होती ही है. सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ डर्माको का मॉइस्चराइजर. आफ्टर मॉइस्चराइजिंग योर फेस आपको चाहिए स्किन के लिए टेंट. अगर आपके पास फेस टेंट या फिर स्किन टेंट है तो आप वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि कवरेज हमें कम ही चाहिए ऑफिस के लिए. सो स्किन टेंट है तो वो यूज कर लो, वरना मेरे पास है कंसीलर. सो गाइस, कंसीलर में मैंने लिया है यहाँ पे मेबलिन फिट मी एंड द शेड नंबर इज 25 मीडियम. Basically, you need to apply concealer on the darker area of your face, that is under eye, या फिर अगर कोई mark है आपके face पे तो वहां आप use कर लो. देन गाइज, ब्लेंड करने के लिए आपको एक छोटा सा ब्लेंडर ले लेना है, और अगर आप इसे पानी में नहीं डुबोना चाहते, टाइम नहीं है बेसिकली, तो आपको ले लेना है टोनर. एंड थोड़ा स्क्वीज कर लेना है. सो गाइज, आफ्टर कंसीलिंग द फेस, जहां भी डार्कर एरियाज थे या फिर जो भी फेस पे मार्क्स थे, अब मैंने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से कंसीलर को. आफ्टर कंसीलर हम लेने वाले हैं आई शेडो, बहुत ही न्यूट्रल सा शेड लगाने वाले हैं. सो फॉर आई शेडो आई एम गोइंग टू टेक दिस लैक्मे एब्सोल्यूट इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट. दिस इज फॉर 995 रुपीज, और इसमें काफी ज्यादा न्यूट्रल से शेड है, शिमरी भी है, मैट भी है, तो बहुत ही अच्छे से आप किसी भी ओकेजन पे इसे यूज कर सकते हो. सो इसमें से मैं ये वाला शेड लेने वाली हूँ, दिस वन, जो कि काफी ज्यादा न्यूट्रल सा है, सटल सा लुक देगा. सो हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है एंड देन अपनी आईलिड के ऊपर ब्लेंड करना है. नेक्स्ट स्टेप इज काजल.
ऑब्वियसली हम पूरा टाइम ऑफिस में मास्क पहन के होते हैं, ऑब्वियसली अपनी आँखों को ही ज़्यादा ग्लैम लुक देने की कोशिश करेंगे बिकॉज मास्क के कारण फेस का मेकअप बहुत ही कम होता है. आफ्टर काजल फॉर मोर ग्लैम हम डालने वाले हैं मस्कारा आई लैशेस पे. एज आई ऑलरेडी सेड कि हमारी फेस पे पूरा टाइम मास्क होता है, तो जितना आप चाहो अपनी आईज पे ही वर्क कर सकते हो. और अब इसके लिए आईब्रोज को थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ आईब्रो पेंसिल. एंड अब बारी है लास्ट प्रोडक्ट की. सो बेसिकली यहाँ पर मैं ले रही हूँ लिप एंड चीक टिंट बाय रिवॉल्यूशन. तो आपको ये अपनी चीक्स पे लगाना है. ये हमने लगा लिया एंड विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स आपको यू स्प्रेड करना है प्रोडक्ट को. आप चाहो जो थोड़ा नोज पे भी हल्का सा टिंट डाल सकते हो. यू नो विंटर के मौसम में काफी अच्छा लगता है ये रेड रेड लुक थोड़ा बहुत चीक पे, ये जो टिंट वाला इफेक्ट होता है. बेसिकली ब्लश और टिंट में यही है कि टिंट बहुत ही इजीली और बिल्कुल सटल सा लुक देता है आपको, बट ब्लश हम डिफरेंट ओकेजन पे यूज कर सकते हैं. बट अगर हम ऑफिस डेली जा रहे हैं तो ब्लश को अप्लाई ना ही करें बिकॉज उसमें ना थोड़े शिमरी पार्टिकल भी होते हैं जो एक ग्लैम लुक दे देते हैं. बट एज वी आर गोइंग ऑफिस तो हमें फॉर्मल वाली चीज़ भी मेनटेन करके चलनी होती है. नाउ फॉर द लिपस्टिक जस्ट गो विथ एनी न्यूड शेड एंड फॉर दिस आई हैव दिस मेबलिन कलर जॉल मैट एंड द शेड इज रस्ट लव. You are ready for the office. So ये जो makeup look है वो काफ़ी ज़्यादा subtle सा है, बिल्कुल ही manageable है. आपको ज़्यादा time भी नहीं होता सुबह तो आप बहुत ही कम products में. as such आँखों के लिए मैंने 3-4 products use किए हैं. The first one is eye shadow, then we just go for the kajal and eyebrow enhancer and what else and mascara. yeah, तो ये 4 चीज़ें eyes के लिए because obviously mask यहाँ तक होता है and you know eyes ही वो चीज़ होती है जो हम define कर सकते हैं makeup से, और तो हम कुछ नहीं कर सकते इस mask वाले मौसम में, right? so and आप face के लिए 2 product use कर लो काफ़ी है. concealer बहुत ही कम coverage और अच्छी coverage चाहिए आपको तो आप कंसीलर यूज़ कर लो. फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है डेली के लिए तो सो जस्ट गो विद द कंसीलर एंड चीक टिंट. या दैट विल जस्ट ग्लू अप द स्किन एंड मॉइस्चराइजर वो तो आप वैसे भी लगाते हो. तो आप देखो कि 6 प्रोडक्ट्स में 4 आई के प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट हमारे फेस के एंड बस 6 चीज़ों में यू कैन गेट रेडी इन 5-6 मिनट्स अगर सारी चीज़ें आपने जगह पे रखी है तो. And you can also just make this as your office kit or aise koi bhi chote se pouch mein you can just add it. So yeah guys, that's it for this video
एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बता देना कि कितनी अच्छी लगी है ऑब्वियसली. एंड अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना. एंड या गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम.